आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट के बारे में। आप सबके लिए मैं लेके आया हूँ गुड न्यूज़। मेरे सब्सक्राइबर्स जो थे ना, जो मेरे 3 सब्सक्राइबर्स थे, उनके वीज़े आ चुके हैं और मैं आपको बताऊंगा कि लाइक इनकी क्या प्रोफाइल थी और लाइक इन्होंने कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए, क्या एज थी और लाइक मतलब इन्होंने किन चीज़ों का ध्यान रखा और कैसे इन्होंने अपना प्रोसेस किया कि इनको वीज़ा मिल गया। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ताकि आप भी लाइक अच्छी गाइडेंस ले पाए और आपका भी वीज़ा आ पाए। और इनके सैलरी पैकेज क्या है और लाइक कितना खर्चा है इनका जाने में, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। मेरा नाम है जी AK वर्मा, आप देख रहे हैं ग्रोव सर्विसेज। जो सबसे पहले वीज़ा है उसकी मैं बात करूं तो ये वीज़ा है जी गुरप्रीत सिंह जी का। ये आपके सामने वीज़ा है, गुरप्रीत सिंह जी का वीज़ा है। ये है पंजाब लुधियाना से और इनका वीज़ा जो है ना वो है लाइक 30 डेज़ में हमें रिसीव हो गया था। पहले तो इनका ऑफ़र लेटर आया, ऑफ़र लेटर के आने के बाद हमने इनका वीज़ा अप्लाई करा। वीज़ा अप्लाई करने के बाद लगभग आप प्रोसेसिंग टाइम की बात करूँ 30 डेज़ लग गए और 30 डेज़ में इनका वीज़ा इनको इनकी मेल पे आ गया। और इनकी प्रोफाइल की बात करूँ तो जो इनकी प्रोफाइल है ना वो ऐसे लाइक इन्होंने 12th क्लियर करी हुई थी और इनकी अपनी लाइक एक किराने की शॉप थी और इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो इन्होंने इनका था कि लाइक मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो मैं मतलब किस जॉब में जा सकता। मैंने इनको गाइड करा कि आप एज अ फ्रेशर आप लाइक फ्रूट पैकिंग में जा सकते हो। उसके बाद इनके डॉक्यूमेंटेशन रेडी करे, इनका लाइक सही से सारी चीज़ें मेंशन करी। उसके बाद हमने कंपनी में अप्लाई करा। कंपनी में अप्लाई करने के बाद लगभग 15 से 20 दिन के अंदर अंदर इनको इनका ऑफर लेटर रिसीव हो गया। जो भी लाइक कंपनी की रिक्वायरमेंट थी वो इनसे ली और उसके बाद इनका ऑफर लेटर रिसीव हो गया। ऑफर लेटर रिसीव होने के बाद हमने इनका वीज़ा अप्लाई किया था। और जो सेकंड वीज़ा की बात करूँ, इनका नाम है जी सुहेल खान और ये थे जी अपना और ये थे कोलकाता से और इनका वीज़ा भी आज लग के आ गया। जो इनका वीज़ा आया है वो आया 40 डेज़ में। इनका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था कंप्यूटर लाइन में तो इनका लाइक इनको नॉलेज थी तो मैंने कहा ठीक है जी आपका कंप्यूटर ऑपरेटर में हो जाए। कंप्यूटर ऑपरेटर में इनका अप्लाई करा और इनको भी ऑफर लेटर जो इनका वही 15 से 20 दिन में इनको भी रिसीव हो गया था। उसके बाद इनका वीज़ा अप्लाई करा तो इनका वीज़ा भी आ चुका है। और जो थर्ड वीज़ा है ये है रीना सिंह जी का और ये थे यूपी से। और इनकी जो प्रोफाइल की बात करूँ तो इन्होंने अभी अभी स्टडी कंप्लीट करी थी, लाइक इन्होंने ग्रेजुएशन करी हुई, BBA करी हुई थी बट इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो मुझे कह रहे थे लाइक मुझे कोई भी जॉब मिल जाए कि लाइक मेरे को फ्रूट पैकिंग में कोई भी आसान जो लाइक ज़्यादा हार्ड वर्किंग वाला काम ना हो और लाइक ये एक लड़की है तो उनको इस हिसाब से जॉब चाहिए थी। तो इनका मैंने एज अ पैकिंग में करवा दिया। तो पैकिंग में इनका लाइक इनका जो छोटा सा इंटरव्यू हुआ था 10-15 दिन बाद इनको कॉल आ गई थी वहाँ से, जो कंपनी है वहाँ से कॉल आ गई थी और छोटा सा इंटरव्यू, छोटे से इंटरव्यू में इनका लाइक क्वेश्चन वगैरह पूछे, इन्होंने आंसर कर दिया बिकॉज कि इनको सारी चीज़ें मैंने गाइड करी हुई थी कि आपने कैसे कैसे आंसर करना है। तो वो करने के बाद लाइक इनको ऑफर लेटर मिल गया, ऑफर लेटर आने के बाद इनका वीज़ा अप्लाई करा तो आज इनका वीज़ा आ चुका है। तो पहले तो बात करूं इन तीनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इनका वीज़ा आ गया। लाइक मैंने अगर इनकी हेल्प करी पर इनका भी हार्ड वर्क था, इन्होंने भी चीज़ें मतलब अच्छे से प्रिपेयर करी सारी। तो और आप भी ऐसे वीज़ा ले सकते हो। सैलरी की बात करूं तो जो सैलरी जो इनकी लाइक ओवरऑल सबकी सैलरी की बात करता हूं, 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेकर 6,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बीच में इनकी सैलरी थी जो कि इंडिया के 2.5 से 3 लाख रुपये बनते हैं। कई केसेस में ज़्यादा भी सैलरी होती है, कई केसेस में कम भी होती है, डिपेंड करता है कंपनी पे, डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी पे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। अब मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंट्स की, जो मेन चीज़ होती है, जो मेन की पॉइंट होता है ना जिससे आपको वीज़ा मिलता है, जिससे आपको ऑफर लेटर मिलता है उसकी बात करता हूँ। वो जी हर वीडियो में आपको बताता हूँ, जैसे CV and cover letter मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज कि उसी से हम आपका लाइक कंपनी में अपनी प्रेजेंटेशन भेजते हैं तो वो अपने रेलिवेंट रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया आप एज अ फ्रेशर भी हो तो उसमें भी कुछ ना कुछ आपको मेंशन करना है, कोई ना कोई थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मेंशन करना है जिससे आपको लाइक कंपनी को ये ना लगे कि बिल्कुल ये फ्रेशर बनता है, इसको कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और कई मेरे भाई जो हैं जो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगता ही नहीं है, लाइक आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिल ही नहीं सकता, फ्री वर्क परमिट मिल ही नहीं सकता, वो लोग क्यों ऐसा कहते हैं? बिकॉज कि देखो मार्केट में सबको पैसा कमाना है, ठीक है। वही जो वीज़ा आपको फ्री में मिलता है, जो वीज़ा आप थोड़ी मेहनत करके खुद ले सकते हो, वही वीज़ा को 15 से 20 लाख में बेचा जाता है। ये एक तरह का मार्केट बन चुका है, एक तरह का स्कैम शुरू हो चुका है। जैसे मैं आपको फ्री में गाइडेंस देता हूँ कि आपने कैसे वीज़ा अप्लाई करना है, आपने कैसे फ्री में वर्क परमिट लेना है, तो इससे ना वो ज़्यादा हर्ट होते हैं बिकॉज कि उनके लाइक आप खुद देखो ना कि कोई बंदा कोई चीज़ 20 लाख में बेच रहा है और कोई बंदा वो चीज़ फ्री में दे रहा है, तो फ़र्क है ना। तो उनको लाइक उनका मार्केटिंग डाउन जा रहा है तो वो लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं। इसका देखो मैं एक यही चीज़ बता सकता हूँ कि आपने एजुकेटेड होना है, आपने देखना है कि कौन आपकी कितनी हेल्प कर रहा है। अगर आपको कोई लगता है कि 20 लाख देके आप किसी से वीज़ा ले सकते हो तो ठीक है, आप उससे वीज़ा ले सकते हो, उससे काम करवा सकते हो, इसमें कोई वो चीज़ नहीं। आपने क्या करना है, पैसे आपके हैं, टाइम आपका है, आपने किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, किस चीज़ में नहीं करना, वो सारा आप पे डिपेंड करता है। और लोगों का ना बहुत एक क्वेश्चन होता है कि लाइक फूड एंड अकोमोडेशन हमें कैसे मिलेगा, कि हम लाइक हम वहाँ जाएंगे तो हमें रहने खाने की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि देखो उस कंट्री में हमें कोई जानता भी नहीं है तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, फूड एंड अकोमोडेशन 99% कंपनीज देती हैं,
आपको रहने खाने का खर्चा वहाँ मिलता है, कई कई कंपनी तो ऐसे भी होती है ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा आपको प्रोवाइड करती हैं, तो आपको उस चीज़ की वरी करने की ज़रूरत नहीं है। वो लाइक जैसे दुबई में होता है ना, आपको शेल्टर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं या छोटे छोटे रूम में 8-8, 10-10 लोगों को डाल दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया में अच्छा आपको फूड एंड अकोमोडेशन मिलता है। अब मैं बात करता हूँ वहाँ वैकेंसी कौन सी मिल सकती है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आता है वेयर हाउस में आपको काम मिलता है, पैकिंग में आपको काम मिलता है, स्टोर में आपको काम मिलता है, एज अ आप सेल्समैन काम कर सकते हो, एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सारी आपको जॉब वहाँ मिलती हैं और इसमें इजिली आप अप्लाई करके अपना लाइक ऑफर लेटर और वीज़ा ले सकते हो। और सबसे मेन बात जो है ना, लोग लाइक पूछते हैं क्या आप सर मुझे वीज़ा दिलवा दोगे, तो देखो वो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं होती वीज़ा दिलवाना, मैं आपको एक गाइड कर सकता हूँ। जैसे जो मेरे सब्सक्राइबर जिनका मैं वीज़ा दिखाता हूँ, जिनको मैं सक्सेस स्टोरी शेयर करता हूँ, इनको मैं गाइड करता हूँ। देखो अगर मेरा 50% काम है तो आपका भी 50% काम होता है, आपके भी एफर्ट लगते हैं, मेरे भी एफर्ट लगते हैं, फ्री हमें कोई लाइक कोई रिजल्ट मिलता है। और कई लोग होते हैं ना जो मुझे कहते हैं कि लाइक आप सर पैसे ले रहे हो, सीवी कवर लेटर के चार्जेस लेते हो, अप्लाई करने के चार्जेस लेते हो, तो मैं उनको इस वीडियो में यही गाइड करना चाहता हूँ कि सीवी कवर लेटर है और अप्लाई आप खुद से कर सकते हो। हाँ, घर बैठे आप खुद से अप्लाई कर सकते हो, खुद से सीवी कवर लेटर बनाते हो। मैं आपको नहीं कहता कि मुझे चार्जेस पे करो, मैं आपको नहीं कहता किसी और को चार्जेस पे करो, आपके सारे पैसे बच जाएंगे, आप खुद अप्लाई करो। पर बात वो होती है ना कि लाइक अगर आप मुझे बोलो कि नहीं सर आप मेरा कर दो, आप मेरा सीवी कवर लेटर बना दो, तो अगर आप मेरे से करवाते हो, आप कहते हो नहीं सर आप ही करो, तो मेरे जो नॉर्मल से चार्जेस होते हैं, मेरे कोई लाखों में चार्जेस नहीं है, मेरे नॉर्मल से चार्जेस हैं, आप खुद से कर सकते हो, खुद से करना है खुद से कर सकते हो, मुझसे करवाना है मुझसे करवा सकते हो, पर मैं ये कभी नहीं बोलता कि मैं वीज़ा दूंगा। अगर वीज़ा वाला काम होता ना कि कोई पर्सन आपको वीज़ा दे सकता है, उसके हाथ में वीज़ा देना है, तो सारा इंडिया ही बाहर होता। आज की डेट में सारे बाहर चले जाते, कोई कनाडा होता, कोई यूके होता, कोई ऑस्ट्रेलिया होता, पर किसी के हाथ में वीजा देना नहीं होता, हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं। और बाकी एफर्ट्स आपके होते हैं, आप एफर्ट्स लगाते हैं, जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स एफर्ट्स लगाते हैं, तो आपको भी वीजा मिल सकता है। मैं बात करता हूं डिफरेंस की कि लाइक आप खुद से अप्लाई करते हो या मुझसे कराते हो या आप किसी और से करवाते हो, उसमें डिफरेंस क्या है। जैसे बात करता हूँ सीवी कवर लेटर की, सीवी कवर लेटर आप खुद से बना सकते हो, अप्लाई आप खुद से कर सकते हो, पर देखो डिफरेंस क्या होता है, आप गलतियां क्या क्या करते हो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले होता है सीवी कवर लेटर जो बेसिक बना देते हो आप, उसमें कोई स्किल मेंशन नहीं होती, उसमें कोई एक्सपीरियंस मेंशन नहीं होता, मतलब उसका फॉर्मेट नहीं सही होता, ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट नहीं होता, तो वो चीज़ कभी भी आपकी लाइक एक्सेप्ट नहीं होगी, कभी भी वो चीज़ सेलेक्ट नहीं होगी। बिकॉज कि मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए हैं कि 2-2, 3-3 कंपनी में अप्लाई कर चुके हैं, काफ़ी टाइम से अप्लाई कर रहे हैं, पर उनका फॉर्मेट ही नहीं सही है, तो कभी भी सिलेक्ट नहीं होगा। अप्लाई लोग करते हैं, आप कंपनी नहीं चेक करते, कंपनी हमें स्पॉन्सरशिप दे रही है नहीं दे रही, कैसी कंपनी है, क्या उसकी लाइक जेन्युइन कंपनी है या नहीं है, लोगों को नहीं पता, वो आंख बंद करके अप्लाई करी जा रहे हैं। आप भी करते हो ऐसे, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, पर देखो उनको रिजल्ट नहीं मिलता। एट दी एंड बात आती है रिजल्ट की, एट दी एंड बात आती है आपने कितना टाइम दिया किसी चीज़ में। आप मुझसे अप्लाई कराते हो, मुझसे सीवी कवर लेटर बनाते हो, तो मैं क्या करता हूँ कि लाइक मुझे एक्सपीरियंस है, मैं 3-4 साल से सीवी कवर लेटर बना रहा हूँ, लोगों का अप्लाई कर रहा हूँ, कितने लोगों की हेल्प करके उनको आज वीज़ा मिल चुका है, वो आज ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए। क्यों? बिकॉज कि देखो फॉर्मेट हमेशा हर एक चीज़ का ठीक होना चाहिए, तरीका हर एक चीज़ का ठीक होना चाहिए। देखो यही डिफरेंस होता है, या अगर ये डिफरेंस को आप फुलफिल करते हो, आप भी अपना तरीका सही रखते हो, आपका अप्लाई करने का वे अच्छा है, आपका सीवी कवर लेटर अच्छा है, तो आप खुद अप्लाई करो, आप खुद से वीज़ा ले सकते हो, अपनी फैमिली की अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हो, आप खुद से ये काम कर सकते हो। अगर आप एजुकेटेड हो, आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं, तो बहुत अच्छी डाउट, नो डाउट आप करो। तो इसी के साथ आज की वीडियो एंड करते हैं, और होप कि आपको सारी चीज़ समझ आ गई होंगी, होप कि आपको लाइक हर एक नॉलेज आपको मिल चुकी होगी। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे मेरी टीम से बात करिए, पूरी गाइडेंस लीजिए, कैसे आप ऑस्ट्रेलिया का वीजा ले सकते हो, कैसे आप बाहर जा सकते हो।